मंत्री जी, चूंकि आप मथुरा से हैं तो अयोध्या तो हो गया, काशी में कार्बन डेटिंग तक मामला आ गया, अब मथुरा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो आपको लगता है कि 24 में आप लोग ऐसा कुछ करेंगे जो एक संदेश पूरे देश में जाएगा लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि अब की बारी मथुरा की है? देखिए, ऐसा है कि ये मुद्दा इस समय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ा ही बनेगा। वो तो मंदिर बनना ही है और भव्य मंदिर बनना है, इसमें कहीं कोई संदेह हम लोगों को नहीं है। समय लगेगा, अयोध्या का इतना लंबा समय मामला चला, इसके बावजूद बना, लेकिन अयोध्या जैसा मंदिर कहीं नहीं बन रहा है पूरी दुनिया में। इसी तरह से भगवान कृष्ण का ऐसा विशाल और भव्य मंदिर बनेगा मथुरा में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और बनना ही चाहिए। भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। सर, एक किसान मेरा, एक सवाल मेरा गन्ना किसानों को लेकर है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद हमने देखा समय समय पर जो समस्या है वो देखने को मिलती है, विशेष तौर पर भुगतान की। पहली 1.0 में आपकी सरकार आई, दूसरा मौका दिया, दूसरा जनादेश आपको सुनाया है जनता ने, अब क्या है विचार आगे, क्या जो भुगतान है कितना हो चुका है आपकी सरकार में? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगा। मायावती जी के ज़माने में लगभग 18 शुगर मिल बेच दी गई, अखिलेश जी के टाइम में और 11 मिलें बंद कर दी गई, 30 शुगर मिल बंद हो गई थी इन दोनों के ज़माने में। जब हमारी सरकार आई 2017 में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई मिलों का तो विस्तारीकरण किया, नई हमने चीनी मिल भी बनाई, अब फिर हम और चीनी मिल अभी विस्तारीकरण कर रहे हैं, गजरौला में नई चीनी मिल बना रहे हैं, छाता में नई चीनी मिल बना रहे हैं, और विस्तारीकरण उधर बिजनौर में हम कर रहे हैं, तो हम लगातार कर रहे हैं इसका विस्तारीकरण। इसके अलावा 2017 से लेके हमने 2022 तक गेहूं खरीद का, MSP से गेहूं खरीदती है सरकार, गेहूं खरीद का हमने लगभग 40,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिया, 60,000 करोड़ रुपया हमने धान खरीद का किसानों के खाते में दिया, और गन्ना खरीद का अकेले इन 5 सालों में हमने 1,78,000 करोड़ किसानों के खाते में दिया है। इतना पूरे देश में किसी प्रदेश की सरकार ने आज तक नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वर्ष भी हमने करीब 35,000 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा था सभी मिलों ने, और जिनमें से हमने अभी तक 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। अक्टूबर के महीने में ही निश्चित रूप से हम 2,500 करोड़ का भुगतान और कर देंगे, और नवंबर आते आते हम पूरा भुगतान कर देंगे गन्ने के लिए। गन्ने के बारे में पहले आपको ताज्जुब होगा कि गन्ने का 28% क्षेत्रफल हमारी सरकार के समय में बढ़ा है। गन्ने का उत्पादन आज पूरे देश में 40% अकेले चीनी पैदा हम करते हैं, इथेनॉल पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमने दिया है। इसलिए गन्ने के संबंध में अब ये तो राजनीति है, जिन लोगों पे कोई काम नहीं होता उन्हें आंदोलन तो करने ही हैं अपने राजनीति जिंदा रखने के लिए। बाकी मैं ये कह सकता हूँ, एक यदि आप देखें तो जब से ये हमारी नई सरकार फॉर्म हुई है तब से कोई आंदोलन हुआ भी नहीं है और किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।